हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? सब करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अलग अलग व्लॉग्स पे। तो फ्रेंड्स, आज ऐसे चढ़े और फ्रेंड्स आज हमन की पीटीएम। और भाई कैसा है? ठीक है, बढ़िया है, गुड। और फिर आज क्या मतलब क्या प्रोग्राम है तेरा? पिटने का प्रोग्राम है या बच जाएगा? बच जाएगा 100%। 25% अच्छा, वो तो फ्रेंड्स पता चलेगा मैडम इसकी कितनी तारीफ करेगी या फिर इसकी बुराई करेगी, उसके ऊपर है ये पिटेगा या नहीं पिटेगा। तो फ्रेंड्स अभी मम्मी गई है तैयार होने, उस मम्मी का तैयार होते ही तनवी भी तैयार हो चुकी है और मौसी भी चलेगी शायद साथ में। चलेगी हमारे साथ चलेगी क्योंकि अंकल गया हुआ है ड्यूटी पे। तो फ्रेंड्स मम्मी के तैयार होने का इंतजार करते हैं, उसके बाद फिर आप सभी को ले चलते हैं मन की पीटीएम में। मैं अंदर नहीं जाऊंगा, ठीक है, गाड़ी में बैठ के रिपोर्ट का इंतजार करूंगा कि मन पीटेगा या बचेगा, क्या होगा। ठीक है, पक्का बच जाएगा? हाँ। ये तो टाइम ही बताएगा बबुआ। बच्चोगे या घर पे आके पिटोगे? बच्चोगे या घर पे आके पिटोगे बच्चवा? ये तो टाइम बताएगा, वो सब आपको पता चल ही जाएगा। वो तो पता चल ही जाएगा। अगर बेटा पटाना आपकी बार वीडियो में घेरूंगा पिटते उड़, ठीक है? और हाँ, अगर मैं नहीं पिटा तो सब्सक्राइब करना। हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को, सारी वीडियो को लाइक करना। हाँ, ये बात तो इसने अच्छी कह दी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब जल्दी से मम्मी आ जाती है, अब धीरे धीरे बहुत देर हो गई मम्मी को गए तैयार होने। तो मम्मी को आने के बाद, मम्मी के आने के बाद फिर चलते हैं मन के स्कूल में। बेटा पिटेगा आज? ना पिटेगा? ना नहीं बचता ना। भाई मैं जब छोटा था ना यार, मेरे को बड़ी टेंशन होती थी पीटीएम की, क्योंकि पापा बहुत मारते थे शिकायत। और मैं यार इतना अच्छा नहीं था पढ़ाई में, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं था उस टाइम पे पढ़ाई में। यार अभी भी ठीक ही था मैं, तो बड़ी पिटाई हुई है यार चप्पलों से, दीवारों से, जूतों से भी बहुत पिटा हुआ है। इसको ये पापा का प्यार नहीं मिल पाया, ऐसे जो थप्पड़ जूते वाला होता है ना, ये पिटा नहीं है अभी तक, है ना? ना इसके मम्मी मारती ना मैं मारता। अच्छा मैं मारूं? ये बड़ी अच्छी बात कही है। मैं क्यों मारूं भाई? शक्ल दिखाई हो उन्हें एक बार? देख ले बता, इतनी स्त्री शक्ल है मेरी। तो फिर मैं कद मारू भाई? मारा है कद? झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है मुझ पे, अब तो मारना ही पड़ेगा ऐसे करके। अब तो मारना ही पड़ेगा। तो अभी तन्वी को देखते हैं तैयार हो रही है कि नहीं। मौसी भी तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स मम्मी भी हो चुकी है तैयार और अब सब तैयार है, तो चलते हैं पीटीएम में। चले मम्मी? ओके। इसको एक दिन स्टार्ट ना करो ना, इसको आरबी में यहाँ तक 3 तक जाता है मेरी बेटी का, गलत बात है। I-20। और फ्रेंड्स तुम्हें भी हो चुके तैयार, देखो ना दोगे? अरे ना मेरी बेटी का तुमने शादी कब करी? बेटा इट्स जस्ट अ डायलॉग, डोंट टेक इट सीरियसली। ओके, तुमको तो मैं बहुत सिखाऊंगा, एक बार आ तू पीती मुंह से, गलत रिपोर्ट आई तो फिर तन्वी फिर प्यार से प्यार आपको है ना। ये वो हेलीकॉप्टर बोला करता मैंने, ड्रैगन फ्लाई हेलीकॉप्टर बोला करता है छोटे थे जब। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं स्कूल में और मम्मी उतर गई और बच्चे भी उतर चुके हैं। अब इसको कहीं जगह देख के पार्किंग में लगाते हैं। अरे गेट तो बंद कर जाते। तो अब इसको पार्किंग में लगाते थे, बिना गेट बंद करे चले गए यार, कैसे बच्चे हमारे। इसको साइड में लगाते हैं कोई अच्छी सी जगह देख के। तो
तो फ्रेंड्स हमें पार्किंग की जगह मिल गई है और मौसी फोन ले रखी, फोन लेके आई हुई है मौसी, मम्मी तो लेके नहीं आई, और यहाँ पे खड़ी कर देते हैं। वो जब बाहर आएंगे तो मौसी मेरे पास कॉल कर लेगी। और फ्रेंड्स यार मैंने बीएड कर रहा, अपने बाल कटवा ले यार, मेरे को खुद को अजीब सा लग रहा हूँ। मैं आदत हो गई थी ना बीएड में देखने की और बड़े वालों में देखने की, अब नहीं कटाऊंगा, कभी नहीं छोटे कराऊंगा, एक बारी बड़े हो जाए, कभी भी नहीं कराऊंगा, हर बार रिग्रेट होता है मेरे को छोटे बाल कराने से और छोटे बीएड कराने से, अब नहीं कराऊंगा फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं कराऊंगा। तो फ्रेंड्स अभी कुछ भी क्लियर नहीं है मेरी ट्रिप का, कि कौन मेरे साथ जा रहा है, कौन नहीं जा रहा, अकेला जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, कभी कुछ भी क्लियर नहीं है मेरा, क्योंकि राहुल कह रहा था मैं दोबारा से बीमार हो गया ये वो। तो देखते हैं यार, अगर अकेला इसमें मैं अपनी कार में जाना है तो सबसे पहले मेरे को इसकी क्लच प्लेट चेंज करानी पड़ेगी फ्रेंड्स, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर मैं कहीं भी ट्रिप पे जा रहा हूँ, लंबा या छोटा। अगर राहुल या फिर कोई यार दो, राहुल मेरे साथ नहीं जाएगा या फिर रसायल वगैरह नहीं जाएगा, तो फ्रेंड्स मैं प्लान करूँगा फैमिली के साथ अलग ट्रिप। तो वो ट्रिप मेरे को अभी छोड़नी पड़ेगी जब तक राहुल ठीक नहीं होता, साहिल का भी काम है, घर का कुछ काम है, वो भी फंसा पड़ा है। तो देखते हैं यार, और अगले महीने तुम्हारे भाई का बर्थडे भी आ रहा है 12 सितंबर को, तो यार जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो ना यार, बर्थडे पे गिफ्ट तो बनता है मेरे लिए, प्लीज़। तो फ्रेंड्स देखते हैं यार अभी क्या रहता है, ट्रिप पे जाया जाता है नहीं जाया जाता। तो वैसे मेरे को चंडीगढ़ काम है, चंडीगढ़ तो मैं जाना पड़ेगा मेरे को 2-3 दिन के अंदर अंदर चंडीगढ़ जाऊंगा, अकेले जाऊंगा, सोलो ट्रिप करूंगा चंडीगढ़ से, और चंडीगढ़ से आगे भी जा सकता हूँ मैं अकेला ही, कोई वो नहीं है। तो उसके बाद चंडीगढ़ से आने के बाद फिर थोड़ा इसको मॉडिफाई कराते हैं यार कार को, इस पर पैसा लगाते हैं थोड़ा, इसकी वो सारा आप लोगों के लिए सरप्राइज है, मैं इसमें क्या क्या काम कराऊंगा अभी नहीं बताता, सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो जो भी कराएंगे आपको अच्छी लगेगी गाड़ी, क्योंकि यार कहीं भी ट्रिप पे जाना तो रील्स वगैरह बनाएंगे, अब जैसे गाड़ी के शॉर्ट्स वगैरह बनाएंगे, तो कार अच्छी लगनी चाहिए रोड पे चलती हुई, तो ज़रूरी है इस पर खर्चा करना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले कल या परसों, कल शायद कल ही इसकी क्लच प्लेट का काम कराना पड़ेगा मेरे को, अगर कल संडे है, अगर कल खुला हुआ उसका गैराज, संदीप भाई का गैराज खुला मिला तो कल ही करा देंगे इसकी सर्विस कह रहा हूँ मैं, सर्विस तो भी हो रखी है इसकी, इसकी सर्विस हुई थी 55,000 1117 पे 6/6/2022, और अभी चल रहा है आज क्या तारीख है, 3 महीने होने वाले हैं 20 अगस्त, 3 महीने से ज़्यादा ही हो चुके हैं, और कार चल चुकी है 459,579, ठीक ठाक चली है फ्रेंड्स, ये तो लोकल में चली गई, याद है कि दो बार मैं दिल्ली गया था, उससे अलावा तो मैं कहीं नहीं गया सर्विस होने के बाद। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि अगर कल मिल गया ना वो खुला तो उसके कल ही क्लच प्लेट चेंज करा के परसों चंडीगढ़ लेकर जाऊंगा, कल नहीं मिला तो फिर भाई परसों तक वेट करना पड़ेगा, इसके क्लच प्लेट बहुत ज़रूरी है रास्ते में, कहीं एक बारी मैं दुखी हो चुका हूँ दिल्ली से आते वक्त, मैं दोबारा दुखी नहीं होना चाहता। तो फ्रेंड्स मंडे को इसकी क्लच प्लेट ठीक करा के ट्यूजडे को चंडीगढ़ के लिए निकल जाऊँगा, हो सकता है पहाड़ों में भी जाऊँ, क्योंकि पहाड़ों में तो यार बहुत दूर जाने का प्लान था, पर राहुल यार बीमार हो रहा है, उसके बस की है नहीं तो वो मैं से उसका भी खुद का मन है यार उसका जाने का वहाँ पे, तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या रहता है। और उसके बाद फिर अगले दिन जाऊँगा मैं दिल्ली, इसका करोल बाग से इसका कुछ सामान लेके आना है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा देखना फ्रेंड्स। और उसके बाद फिर एक फैमिली के साथ अच्छी सी प्लान करेंगे ट्रिप, क्योंकि मेरा बर्थडे भी आ रहा है, और उससे पहले भी एक ट्रिप मारूंगा, फिर बर्थडे पे फिर यार दोस्तों के साथ मारने की सोच रहा हूँ मैं, तो देखते हैं यार कैसा होगा, जैसा सोच रहा हूँ वैसा होगा या नहीं, क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ भी मतलब तय नहीं होता पहले से भी, कुछ भी एकदम से प्लान बन जाता है, एकदम से होता जो होता है, जो मैं पहले सोच कर रखता हूँ वो नहीं होता। तो अब देखते हैं जो भी होगा आपको पता लग जाएगा, आप मेरे साथ बने रहें, जल्द से जल्द बहुत सारी चीज़ आने वाली हैं,
बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग चल रही है। मैं काफ़ी फंसा हुआ था फ्रेंड्स, इसलिए मैं काफ़ी दिन से कह रहा हूँ ट्रिप पे जा रहा हूँ, जा नहीं पा रहा, लेकिन करते हैं कुछ ना कुछ, करते हैं जल्दी से जल्दी आपके लिए कुछ ना कुछ लाते हैं, आपको बोर नहीं होने दूंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मम्मी आ चुकी है मन की रिपोर्ट लेके। कैसे रही मन की रिपोर्ट मम्मी? अच्छा लड़का है, बहुत सिंसियर बच्चा है। ओ तो फ्रेंड्स मन पिटने से बच चुका है। और तन्वी के पास एक शिकायत है, ये जब दिल करता तब छुट्टी मार लेती है। मैं भी देखूँ तो चादर ताने के सोती पाव है। तो फिर आज तो मतलब मन बच गया मम्मी। यस। इससे बात है फिर कुछ खिला दो। नहीं अभी चलते। अच्छा सा अभी चलते चलते लेते हैं। मैंने कल रात ने भी रोटी नहीं खाई ढंग था। ओके अभी मोशी और आयुष तो आया नहीं था, मोशी और मन का इंतजार है, आयुष की रिपोर्ट लेने गए हमें। आयुष आए नहीं, वो मतलब उसको इतना वो नहीं है घूमने फिरने का शौक, सिंपल से लड़का है, अपना घर पड़े रहता है। जब उसका मूड होता है तो आता है। तो फ्रेंड्स तुम्हारा भाई अब पहुंच चुका है घर पे और उसको लगाते साइड में। एक तो यार मन गया, देखो हाथ से मिल गए होंगे इसको सीधा दुकान पे। तो फ्रेंड्स तुम्हारे भाई ने कर दिया कार को पार्क, अपनी जगह पे खड़ी कर दिया मैंने, और अब चलते हैं घर पे। शाम को देखते हैं फ्रेंड्स क्या करेंगे, नहीं तो वो लोग शायद एंड भी हो जाए, है ना मन? यस। अगर मैं शाम को खाई जाऊंगा तो वो लोग मैं डाल दूंगा शाम, और फिर कल आपको वो लोग मिल जाएगा। देखते हैं यार क्या बता भाई, कल इसका कल स्प्रेट का काम हो ही जाए। अगर वो खुली मिली जाऊंगा जरूर, मैं खुली मिली तो फिर मैं करा दूंगा इसको ठीक। मंडे को चंडीगढ़ निकल जाऊंगा, तेरे को नहीं लेके जाऊंगा, तेरा स्कूल है, ऐसे मत देख, ऐसे ना देखो मैं ठीक है। और गेट बंद क्यों कर रहा है, मैं अभी निकल ही रहा हूँ। तो क्या फ्रेंड्स मिलते हैं घर जाके आपसे। तो फ्रेंड्स मैं खा रहा हूँ अभी खाना, और ये है समोसे का, मतलब मैश कर दिया समोसे को और उसके ऊपर से चटनी डाल दी इसके अंदर। मम्मी यहाँ खाना बनाने का मन नहीं था। और तो फ्रेंड्स आपसे मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो फ्रेंड्स आज के लिए नहीं, आपसे मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू। और भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, धीरे धीरे अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, ऑन द वे हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ सोच रखी है मैंने, जैसा मैंने सोचा वैसा हुआ था फ्रेंड्स, अच्छे व्लॉग्स आएंगे और बड़ी जल्दी आएंगे। और फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार मेरा चैनल, जितना ज़्यादा कर सकते हो यार करो यार प्लीज़। बाय बाय।